तक हुआ। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ कि एएसआई का सर्वे कल से शुरू होगा। इसमें दो अहम बातें हैं कि कल शुक्रवार है, कल जुमे की नमाज भी होगी, शांतिपूर्ण तरीके से ये सर्वे हो, इसी को लेकर के बैठक है। और जो एएसआई की टीम को मदद चाहिए जिला प्रशासन से, वो भी उनको मुहैया करवाई जाए। तो कल ये सर्वे शुरू होगा। अब से कुछ देर पहले जो वाराणसी के डीएम है उनको एएसआई की टीम ने जानकारी दी है। और बड़ी बात यह है कि हमने पिछली बार जब एएसआई की टीम इस ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए पहुंची थी तो मुस्लिमवादी कोई भी नहीं था। अब कल भी देखना होगा कि मुस्लिमवादी रहे या ना रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एएसआई अपना काम करेगी। लेकिन हिंदूवादी थे और कल भी वो रहेंगे, यानी कि एएसआई की टीम के साथ अंदर जाएंगे। जो ज्ञानवापी का विवादित परिसर है जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया था कि देश सर्वोपरि है, धर्म बाद में है, देश सर्वोपरि है। और विवाद इसी को लेकर के है कि क्या यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को तोड़ा गया, उसके बाद मस्जिद यहाँ पर बनाई गई। और देखिए हम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो हम ग्राउंड जीरो पर सुबह से मौजूद हैं और फैसला आ चुका है, तैयारियां हो रही है कल सर्वे को लेकर के। वाराणसी के डीएम ने क्या कहा है हम सुनते हैं। हाँ, वही मैंने बोला था, एएसआई द्वारा कल से सर्वे शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगा, जिला प्रशासन के तरफ से उनको जो भी मदद चाहिए वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या ये कल से शुरू हो सकता है? हाँ, सर उसकी कुछ टाइमिंग भी बताया नहीं। कितनी सदस्यी टीम है, कौन-कौन से लोग शामिल होंगे उसमें? अभी और कोई डिटेल्स हमको उन्होंने शेयर नहीं किया, कल से शुरू होगा ये उन्होंने हमें टाइमिंग के बारे में उन्होंने बताया नहीं। हम जो भी टाइम हो तो उसके हिसाब से हम तैयारी। क्या सर दोनों पक्षों से बात हो पाई कुछ अभी? सिक्योरिटी मेजर्स पे क्या तैयारियां? सिक्योरिटी पहले से ही हम लोग डिप्लॉयमेंट प्लान बना रखे हैं और इस संबंध में सिटी सर से भी डिस्कशन हुआ था। हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट से तैयारी पूरी है हमारी, क्योंकि माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, न्यायालय का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वो एएसआई को प्रदान किया। वाराणसी के डीएम एस राजालिंगम को आप सुन रहे थे। एएसआई की टीम कितने बजे पहुंचेगी ये उन्होंने बताया कि समय नहीं मालूम है, लेकिन ये तय है कि सर्वे ज्ञानवापी परिसर का कल से शुरू होगा। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की बात की है क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कहा जाता है कि कण कण में शिव विराजते हैं, वही भक्त यहाँ पर आ पाता है जब भगवान भोले उनको बुलाते हैं और एक बार जीवन काल में आना होता है। अब ये जो मंदिर है यही वो रास्ता है, देखिए ये एक रास्ता मंदिर को जाता है, इसी रास्ते से नमाजी कल जुमे की नमाज है कल जाएंगे और कल शुक्रवार का दिन है। ऐसे में सही तरीके से सर्वे हो, कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता की हुई हैं। दरअसल इस परिसर में ये बाहर यहीं से अंदर भी जाया जाता है, बाहर भी आया जाता है। और यहां पर अब पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है क्योंकि किसी को खड़े होने नहीं दिया जा रहा है कि आप दर्शन करके जाइए ताकि आपसी भाईचारा सौहार्द यहाँ पर कायम रहे। मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, आप देखिए वैसे तो बैरिकेडिंग यहाँ पर हर समय रहती है लेकिन पुलिस की डिप्लॉयमेंट ज्यादा है, प्रशासनिक अमला भी है। अब से कुछ देर पहले डीसीपी यहाँ पर खुद पहुंचे हुए थे